India, defining India's diversity as its power. Underlying the Khan Khan, etc. Does he consider belief in that Khan Khan? Prime Minister, जो विदेश में dialogue देते हैं और अंदर जो करते हैं उसमें तो कोई ताल आपस में तालमेल नहीं है. दूसरा देखिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं करती, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, इसका फैसला आपका लोग थानेदार करता है क्योंकि थाने में फैसला होता है. और अगर मैं थाने में जाता अपना नाम मैं योगेंद्र यादव बताऊं तो मुझे एक ट्रीटमेंट मिले और अपना नाम मैं अमीन अहमद बताऊं तो मुझे दूसरा ट्रीटमेंट, तो बस मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया. और आज जो मुल्क में होना शुरू हो गया है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं, एक कानून नहीं बदला. मैं अपने सेक्युलर दोस्तों को पहले भी बताया करता था, डेढ़ साल पहले भी कहता था, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई कानून नहीं बदलेगा इस देश क्योंकि आपको कानून बदलने की जरूरत ही नहीं, बस हरे दाल को आंख से इशारा कर दीजिए, इस देश का कानून बदल जाएगा, ये देश का संविधान. और इस वक्त ये हो रहा है इस देश, और वो सबसे बड़ी चैलेंज है जो बीफ के मामले में जो कुछ हुआ वो उसी का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है. मैं समझता हूं बीफ के सवाल पे बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत छोटे में कह के अपनी बात खत्म करूंगा. कई हमारे दोस्त समझते हैं कि इस सवाल पे फंडामेंटलिज्म का मुकाबला करने के लिए बीफ फेस्टिवल वगैरह वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. मैं आपके सामने ईमानदारी से कहना चाहता हूं मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूं. ये बीफ फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करना कोई सही तरीका नहीं है इसका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये करके आप अपनी ताकतों को मजबूत करेंगे जिनका आप मुकाबला करना चाहते हैं. अगर हिंदुओं का इस देश में सेंटिमेंट है कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, और अगर इस्लाम का ये कोई सेंट्रल प्रिंसिपल नहीं है कि गाय खानी, तो फिर रास्ता निकल सकता है. और रास्ता निकल सकता है, और बहुत लोगों ने रास्ता निकाला है. मैं बार बार जाता हूं, जैसे मैं फिर एक बार इस यात्रा का जिक्र करता हूं, इस यात्रा में मैंने देखा गांव में इतनी गरीबी बढ़ाने इस वक्त हो गई है, सूखे की वजह से लोग पशुओं को बाहर निकाल रहे हैं, एफोर्ड नहीं कर सकते, गाय छोड़ रहे हैं. सो मैं कहता हूं दिल्ली आके या बड़े शहरों में जाके कि भाई ये गौ हत्या के इतने बड़े भाषण देना बंद करो, ये जो लाखों गाय इस टाइम सड़कों पर घूम रही है, जंगल में घूम रही है, खाना नहीं मिल रहा, अगर गाय से इतना प्यार है तो जरा उसको पालो, उसकी रक्षा करो. दूसरा, ये जो गाय हिंदुस्तान के हर शहर में घूमती है प्लास्टिक खा खा के मरती है, प्लास्टिक खाती है गाय, जो जो गाय के प्रेमी है उसको प्लास्टिक से बचा दे, बहुत बड़ी सेवा. मैं रेस्पेक्ट करता हूं, इस सेंटिमेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए किसी भी प्राणी. आपकी भावना सिर्फ मैं से पालतू कहीं पे भी जाए वो बहुत खूबसूरत चीज है. अगर मेरे लिए इनकी जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी, तो मैं कम से कम अपने से तो आगे बढ़ा, और मेरे लिए अपना कोई भी प्राणी दुनिया का, चाहे वो कुत्ता हो, कीड़ी हो, चींटी हो, मछली हो, गाय हो, मैं अपने से बढ़ के वहां तक पहुंचा, ये कोई छोटी बात नहीं, अच्छी बात है. मगर ये नहीं होना चाहिए कि गौ हत्या को बचाना इंसानों की हत्या करने का बहाना बन जाए. और ये आज जो हो रहा है, ये गौ को बचाने, गौ को बचाने के नाम ये पूरे मुल्क की कल्चर बर्बाद करने और यहां खून खराबा करने की तैयारी चल रही है. और जब उत्तर प्रदेश में मैं बोलता हूं मैं बहुत डरा हूं, सच आपके सामने कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगले एक साल में क्या कुछ होगा मैं खौफ सता हूं, और कोई मेरे पास शक नहीं, क्योंकि मुझे लगता है फरवरी 17 में जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसके लिए तैयारी चल, और वो तैयारी क्या क्या शक्ल लेगी आपने लोकसभा इलेक्शन से पहले भी देखा था, और वो चीजें हो सकती, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम लोगों की.
इस तरह की फिजूल जो वैसे होती हैं इस देश में उनको ठीक डायरेक्शन दे दी जाए, उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन करें। और मैं आप सबसे यहाँ पे, चूंकि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शहर की यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत बड़े इलाके से लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी इस प्रदेश में खासतौर पर अगले एक साल तक अमन शहर यहाँ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन चाहिए। बहुत लोगों को बहुत कुछ करना होगा, बहुत लोगों को कुर्बानी देनी होगी, तमाम तरह की कुर्बानी देनी होगी ताकि यहाँ अमन चैन बनाया रखा जा सके। उस बड़े सवाल के हमें सोचना चाहिए और इन हर छोटे सवाल को उस बड़ी चीज से लिंक करना चाहिए।